नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है कमर्शियल वर्ल्ड। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से LPT 4923 काउल गाड़ी जो कि सिग्ना कैबिन पे है। ये एक 16 व्हीलर व्हीकल है, 49 टन पासिंग है इसकी। दोस्तों इस गाड़ी का मॉडल नंबर है LPT 4923.T। इसका कंपनी इसकी प्राइस रखी है अप्रॉक्स 38 लैक्स, जो कि हर स्टेट में वेरीज करेगी अलग अलग। और इसकी कंपनी माइलेज क्लेम करती है 4 to 5 किलोमीटर पर लीटर। चलिए दोस्तों इस गाड़ी का हम रिव्यू करते हैं कुछ इस तरह। चलिए ये देखिए, पहले तो इसमें ब्रिजस्टोन की टायर है। ये देखिए ब्रिजस्टोन की ब्रांडिंग, इसकी साइज आप देख लीजिए। ये देखिए 295/80 R22.5 रेडियल टायर है। ये एक ट्यूबलेस टायर है, ये देखिए ट्यूबलेस। इसका बैटरी देखिए 24 वोल्ट की बैटरी इसमें आती है, 12 वोल्ट की दो। ये देखिए कटआउट, ये ऑफ, ये ऑन। और ये देखिए इसकी एक्सल टायर जो कि एक ब्रिजस्टोन की है, सेम 295/80 इसकी साइज है। रेडियल टायर एक ट्यूबलेस है। ये इसका स्पेयर टायर, ये भी एक ट्यूबलेस है। और ये इसका एक्सल देखिए, लिफ्ट एक्सल टायर, ये भी ट्यूबलेस है। इसमें टोटल आपको 16 टायर्स मिलेगी और वन स्पेयर टायर, मतलब टोटल 17 व्हीकल। ये देखिए रियर की ब्रिजस्टोन टायर्स, ये आपको ट्यूब टाइप मिलती है। जो डमी टायर्स है 4+4, ये ट्यूब टाइप है। ये देखिए साइज वही है टायर का, 1020 है वो, 10.00 R20 रेडियल टायर्स है, लेकिन ये ट्यूब टाइप है। ये देखिए देखिए रियर की टायर्स, ये भी सेम है, 100.R20 1020 रेडियल टायर, लेकिन ये ट्यूब टाइप है। इसमें आपको ट्यूब मिलेगी। और ये जो एक्सल के देखिए, ये भी ब्रिजस्टोन की है। लास्ट में जो एक्सल का टायर, ये एक ट्यूबलेस मिलेगी, मतलब आपको 8 टायर ट्यूब टाइप मिलती है और 9 टायर्स ट्यूबलेस मिलती है। ये देखिए इसकी बैकलाइट, नॉर्मल बैकलाइट्स है ये दो बैकलाइट्स। ये इसका इंजन चेचिस नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। देखिए 4923 सिग्ना कैबिन की कमिंस इंजन है। ये देखिए इसका एयर टैंक, ये देखिए इसका डिफेंस, चेचिस का फुल लेंथ देख लीजिए। ये सिग्ना कैबिन है, 4923.T सिग्ना कैबिन। ये देखिए इसका लिफ्ट एक्सल, एक रियर में एक्सल लास्ट में था, एक बीच में है लिफ्ट एक्सल। देखिए ये आपका यूरिया टैंक और ये है आपका डीजल टैंक। डीजल टैंक जो है कि है 300 लीटर की है। ये आपका फ्यूल पंप और ये देखिए गियर बॉक्स, गियर बॉक्स जो कि है 1150 गियर बॉक्स है। और इसके जो गियर्स है वो 9 फॉरवर्ड है और 1 रिवर्स।
इसमें आपको 10 गियर्स मिलते हैं, 9 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। ये रहा इंजन। इंजन की अगर बात करें तो ये कमिंस इंजन है, आईबीएसई सॉरी आईएसबीई 5.9 लीटर 230 एचपी की PS4। और इसका जो सिलेंडर है 6 इनलाइन सिलेंडर्स, और इसका जो कैपेसिटी है 5883 सीसी का। इसका मैक्सिमम इंजन आउटपुट है 170 kW बाई 2500 आरपीएम, और मैक्सिमम टॉर्क है जो 810 न्यूटन मीटर बाई 1800 आरपीएम। ये देखिए इसका एयर फिल्टर, और ये कुछ कैबिन देखिए कुछ इस तरह। ये देखिए इसके मॉडल नंबर के बैजिंग है 4923.T। ये सामने से देखिए यहाँ सिग्ना की बैजिंग दी गई हुई है, सिग्ना कैबिन है BS4। बम्पर्स में देखिए फाइबर की हेडलाइट है जो कि बम्पर्स फिटेड आती है। ये देखिए लेफ्ट साइड, ये राइट साइड की है। नीचे में एक और बम्पर दी गई है सेफ्टी के लिए। चलिए दोस्तों इसका बोनट खोल कर देखते हैं हम लोग। ये देखिए बोनट खोल दिए हम लोग। ये आपका कूलेंट टैंक, ये रहा आपका रेडिएटर, ये हॉर्न है, और वही दोस्तों ये देखिए कैबिन इसका। इसमें लेफ्ट साइड जो है आपको 3 लुकिंग ग्लास मिलेगी, देखिए एक बिग, एक स्मॉल, एक मीडियम। अब चलिए हम लोग चलते हैं कैबिन के अंदर, चेक करते हैं कैबिन किस तरह है। ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखिए ब्लोअर, ये देखिए लाइट मीडियम, फ्रंट मीडियम, हैवी, ये एबीएस गियर, और ये हेल्प का एक बटन दिया हुआ है। ये देखिए इसका एसी का वेंट्स, ये को ड्राइवर का सीट, ये स्लीपर सीट देखिए, ये कैबिन कुछ इस तरह। ये देखिए जो ड्राइवर सीट है ये भी एडजस्टेबल है, आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, हाइड्रोलिक सीट्स है। ये गेट देखिए 1 रिवर्स और 9 फॉरवर्ड। कीज की हम बात करें तो 2 इग्निशन कीज मिलती है, देखिए 1 2, 2 आपको डीजल टैंक की मिलेगी, 2 आपको यूरिया टैंक की मिलेगी, टोटल 6 कीज मिलेगी। और यहाँ पे इसका यूरिया का मीटर दिया हुआ है जो कि हमेशा फुल रहना चाहिए। और ये इसकी देखिए एक्सीलेटर पैडल, क्लच पैडल और ब्रेक पैडल। दोस्तों अगर इसे क्लच की बात करें तो इसका क्लच का जो है एक सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप है। इसका क्लच का जो डायमीटर है वो 380 mm है, और इसका जो सस्पेंशन आपको मिलता है फ्रंट में मिलेगा आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग, और फ्रंट में मिलेगा और सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग रियर में मिलेगा, और जो लिफ्ट एक्सेल है वो एयर सस्पेंशन है। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 300 किलोमीटर की मिलेगी आपको,
इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की लिमिट रहेगी, और इसका जो ग्रेडेबिलिटी है मैक्सिमम वो 19% है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे हम आपके लिए इसी तरह के और वीडियो बनाते रहें। और आपको भी अगर इस गाड़ी के विषय में और कुछ जानना है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोशिश करेंगे हम आगे इस गाड़ी की पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाएं, तो इसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।